कि बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करने के बाद आपने एमए हिंदी साहित्य से किया, ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह क्या हो सकती है? सर मैंने ऑप्शनल ऑप्शनल के रूम में हिंदी साहित्य को सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद ही मैंने एमए किया था। अच्छा जी सर, क्योंकि ऑप्शनल मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें पीजी डिग्री भी ले ली जाए तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दोनों का मतलब कि एमए भी साथ साथ हो जाएगा? एमए भी हो जाएगी और आईएएस का भी। मैं तो एमए मतलब यूं ही कर लिया आपने? नहीं सर, यूं नहीं की है, एक कैरियर बैकअप के तौर पर भी की थी, क्योंकि सर सिविल सर्विसेज में अनसर्टेनिटी होती है कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो एक एज ए ऑप्शन में हिंदी साहित्य में आगे कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप आईआरपीएस ना बनते या सिविल सेवा में ना आते। जी सर। तो फिर आप हिंदी साहित्य में अध्यापक बनते, ऐसा आपके मन में था? हाँ सर जी, इस वजह से। लेकिन जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ाई था ग्रेजुएशन में और काफ़ी अच्छा पढ़ा, आपके मार्क्स बता रहे हैं, कितने मार्क्स थे आपके एग्जैक्टली? सर मेरा 62% था बीएससी में। 62% मेरे ख्याल से बुरा तो नहीं है, अच्छा ही मानना जी सर, है ना? तो फिर फिजिक्स भी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स में है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है। जी सर। तीन तीन विषय जो यूपीएससी की लिस्ट में है वो पढ़े आपने, उसके बाद तीनों को ही छोड़ के चौथा विषय लिया जो आपकी पूरी बैकग्राउंड में कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्यों आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों नहीं लिया यूपीएससी के लिए इनमें से कोई एक विषय? सर मैंने इसके लिए सोचा था और जैसे ही यूपीएससी के बारे में सोचा मैंने तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, तो सर मैंने क्वेश्चन पेपर उसके देखे तो मेरा तैयारी का स्तर फिजिक्स के लिए सोचा था मैंने सर तो उस लेवल का नहीं था, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ कि मैं उस लेवल पर जाके मेंस क्वालिफाई कर पाऊँ, इसलिए सर मैंने डिसीजन लिया कि ऐसा सब्जेक्ट चुनूंगा जो थोड़ा मेरा जिसमें इंटरेस्ट भी है और जो स्कोरिंग भी है। तो कुछ लोगों से मैंने कंसल्टेट भी किया, मेरे मित्र थे तो उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य को बताया कि इसको आप ले सकते हो। अच्छा, यानी कि आप ग्रेजुएशन के दौर में बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, इससे सरल मतलब यही हुआ? सर मैं अच्छा विद्यार्थी था लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं थी जो यूपीएससी की डिमांड है, जो उसके मैंने सुना था सर बहुत टफ पेपर होता है और मैंने देखा भी था पेपर। तो मैं समझ गया था शुरुआत में कि मैं इसमें बहुत बेहतर नहीं कर पाऊंगा और इसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने चाहिए क्योंकि वरीयता सूची में स्थान बनाना है, तो उस लेवल की तैयारी नहीं थी सर मेरी।